नमस्कार, केकेआर न्यूज में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आरती। बढ़ते हैं खबरों की ओर। जबलपुर के तिलवारा थाना क्षेत्र के अंतर्गत रमनगरा वाटर प्लांट के पास हाईवे में दर्दनाक भीषण सड़क हादसा हो गया, जिसमें बताया जा रहा है कि आईसर ट्रक और ट्रालर की चपेट में आने से बाइक के आने से हादसा हो गया। वहीं इस सड़क हादसे में पुलिस लाइन में पदस्थ एक पुलिस आरक्षक जयराज ठाकुर सहित तीन अन्य लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। घटना जबलपुर सगड़ा के पास हाईवे की है, जहाँ आईसर ट्रक और ट्रालर की चपेट में बाइक आ गई। इस हादसे में पुलिस आरक्षक सहित चार लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिन्हें मेडिकल ले जाया गया था, जहां उनकी भी मौत हो गई है। घटना की सूचना मिलने पर जबलपुर पुलिस अधीक्षक सहित पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंच और घटना का जायजा लिया। बहरहाल पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ बहुगुणा ने घटना स्थल का मुआयना करते हुए तिलवारा थाना प्रभारी जांच करने के निर्देश दिए, तो वहीं पुलिस ने पंचनामा करवाते हुए चारों शवों को पीएम में भेजते हुए जांच शुरू कर दी है। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। मेन हाईवे है तो अपना नागपुर हाईवे है, इसमें सुबीम करते हैं। इसमें रमनगरा प्लांट के पास हाईवे पे एक खुराक मजदा और एक 10 चक्का गाड़ी के बीच में जो है, जैसा अभी लग देख के लग रहा है घटनास्थल को, भिड़ंत हुई है। साथ ही साथ एक मोटरसाइकिल चालक जिसमें बीच में उनकी चपेट में ऐसा लग रहा है आ गया। एक भीषण एक्सीडेंट की घटना यहाँ पे हुई है, इसमें तीन से चार लोग अभी पता चला है, एग्जैक्ट डिटेल अभी मेडिकल कॉलेज से पता चला। हमारे चैनल में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।